अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गौस मस्तान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं थाने महानगर पालिका स्कूल नंबर 31 के इस चैनल पर। आज हम छठी की क्लास से रियाजी मजमून में सबक नंबर 1 इल्मे हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात पहला हिस्सा, इसके मुतअल्लिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है कि नुक्ता किसे कहते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तीन नुक्ते मैंने बनाए हैं, तीन डॉट मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नुक्ता किसे कहते हैं। नुक्ता यानी कि किसी भी नोकदार चीज़, चाहे वो पेंसिल हो या कलम हो, उससे हम कागज़ पर जब छोटा सा निशान बनाते हैं तो उसे हम नुक्ता या पॉइंट या डॉट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है तीन डॉट, तो ये नुकात है। नुक्ता वाहिद है, नुकात जमा है। अब जिस तरह से हम इंसानों में नाम होते हैं, किसी का नाम सलमान है, किसी का नाम आमिर है, किसी का नाम शाहरुख है, तो उसी तरह से नुकात को भी नाम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हम नुकात का नाम देने के लिए अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर्स ABCD का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर नुक्ते का नाम दिया हूँ PAT, तो इस तरह आपके सामने तीन नुकात है, नुक्ता P, नुक्ता A और नुक्ता T। आइए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है खत। हम देखेंगे खत किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने दो नुकात लिए हैं A और B, ठीक है। अब इन्हें हम नाप पट्टी यानी स्केल से मिला देते हैं, हमें एक सीधी लकीर हासिल हो गई, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या लकीर बी की जानिब से हम इस लकीर को और आगे बढ़ा सकते हैं? वेरी गुड, यस। क्या हम ए की जानिब से इस लकीर को और आगे बढ़ा सकते हैं? वेरी गुड, यस। हम जितना बड़ा कागज़ होगा उसके हिसाब से हम दोनों जानिब से जितना चाहे उतना, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसे दोनों जानिब से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शक्ल को जिसे दोनों जानिब से बढ़ाया जा सके, इसे हम खत कहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि लकीर जब दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सके तो वो लकीर खत कहलाती है। और ऐसे खत को कागज़ पर दिखाते वक्त उसके दोनों जानिब हम तीर की नोक का इस्तेमाल करते हैं। ये तीर हमें ये बतलाता है कि दोनों जानिब से ये बढ़ता जा रहा है। तो याद रखिए, जहाँ पर आपको तीर नज़र आए आप समझ जाइए कि ये इस जानिब से बढ़ रहा है। इस तरह से खत दोनों जानिब से बढ़ता है, इसलिए हम खत को जाहिर करने के लिए दो तीर के निशानात का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है कतह खत। कतह खत यानी क्या? जब दो नुकात के बीच में हम लकीर खींचते हैं तो इस पूरे फासले को हम कतह खत कहते हैं। कतह खत का मायने होते हैं कि खत का टुकड़ा। तो इस तरह से ये जो आपको शक्ल में नज़र आ रहा है AB या PQ, तो ये दोनों जानिब से महदूद है। महदूद है मतलब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसकी एक लंबाई फिक्स है। अब ये इससे ज़्यादा दोनों जानिब से बढ़ाया नहीं जा सकता। तो आपको याद रखना है कि कतह खत के दोनों जानिब महदूद होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर तीर का निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पर दो डॉट यानी नुकात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों डॉट को हम या तो इख्तितामी नुकात कहेंगे या एंडिंग पॉइंट्स कहेंगे या सिरे कहेंगे। तो इस तरह कतह खत के दो सिरे होते हैं, दो तीर नहीं होते, ठीक है बच्चों। और इसका नाम हम लिखते वक्त हम इसे कता AB भी लिख सकते हैं या हम इसे कता BA भी लिख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि इसका नाम लिखते वक्त हमें दोनों जानिब के सिरों को दिखाना है, जाहिर करना है। अगला टॉपिक है शुआ। जिस तरह से आपको शक्ल नज़र आ रही है, इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें शुआएँ हर सिमत फैल रही है और हर सिमत आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरी तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है वो है एक टॉर्च की। उस टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की शुआएँ वो एक जगह से निकलकर
एक ही सिमत में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह की जो शक्लें होते हैं जिसमें एक नुक्ते से शुआ या लकीर या लाइन आगे की तरफ बढ़ती जाए तो हम ऐसी शक्ल को शुआ कहते हैं। इस तरह की शक्ल जिसमें एक नुक्ते से लकीर आगे की सिमत लामहदूद बढ़ती जाए तो हम इसे शुआ कहते हैं। तो इस तरह से जिस नुक्ते से ये शुआ निकलती है उस नुक्ते को या तो इब्तदाई नुक्ता या मुबदा कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस शक्ल में यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है तो पी जो है वो इस शुआ पी क्यू का इब्तदाई नुक्ता है, या आप मुबदा भी कह सकते हैं नुक्ता पी को, और इस शुआ का नाम लिखा जाएगा शुआ पी क्यू। तो इस तरह से हम इसे लिखते वक्त शुआ पी क्यू लिखेंगे और इसे पढ़ते वक्त भी शुआ पी क्यू पढ़ा जाएगा। अब जिस तरह से आपने कत खत में देखे थे कि हम नुक्तों को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ शुआ में हम पी क्यू के अलावा इसे क्यू पी शुआ नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें शुआ का नाम लिखते वक्त जो इब्तदाई नुक्ता यानी कि मुबदा है हमें वहीं से नाम लिखने की शुरुआत करनी होगी। तो इस तरह से शक्ल का नाम पी क्यू पढ़ा जाएगा, ना कि शुआ क्यू पी पढ़ा जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मुतराकिस खतूत और नुक्ते तराकुस। आपको जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ मैंने एक नुक्ता पी लिया है, अब हम देखते हैं कि इस नुक्ते पी से हम कितने खतूत खींच सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये मैंने लाल रंग में एक ख़त खींचा, पीले रंग में मैंने दूसरा ख़त खींचा, ब्लू रंग में मैंने एक और ख़त खींचा। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ मैंने कितने सारे खतूत ऐसे खींचे जो उस नुक्ता पी से गुज़र रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम एक नुक्ते से बेशुमार यानि बहुत सारे खतूत खींच सकते हैं। तो बच्चों जब तीन या तीन से ज़्यादा खतूत एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है शक्ल में, तो हम उन तमाम खतूत को मुतराकिस खतूत कहलाते हैं। और जिस नुक्ते पर ये एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते तकातो को नुक्ते तराकुस कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको आपकी किताब से ये तस्वीर ली गई है जिसमें आपको बताना है, बताइए तो भला। सामने की शक्ल में नौ नुकात दिए गए, आपको उनको नाम देना है, जिस तरह मैंने यहाँ तमाम नौ नुकात को नाम दे दिया है। ठीक है, अब उनमें से आपको कोई दो नुकात से कितने खतूत आप खींच सकते हैं वो आपको देखना है, किसी भी दो नुक्ते से। तो आप देखेंगे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे कि दो अलग अलग नुकात लेने के बावजूद भी आप उन दोनों से गुजरता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही खत खींच सकते हैं। तो याद रखिए जब दो नुकात लिए जाए तो उनसे गुजरते हुए सिर्फ और सिर्फ खत की तादाद एक होगी। अच्छा दोस्त बच्चों, इन नौ नुकात में से कौन से तीन या तीन से ज्यादा नुकात एक ही खत मुस्तकीम में यानी एक ही खत पर है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर? वेरी गुड, जब तीन या तीन से ज़्यादा नुकात एक ही खत पर यानी एक ही लाइन पर हो, मुस्तकीम खत पर हो, सीधी लाइन पर हो, तो ऐसे तमाम नुकात को हम हमखत्ती नुकात कहते हैं। तो ये तमाम नुकात हमखत्ती नुकात है, और जो नुकात इस लाइन में नहीं आ रहे बल्कि बाहर की जानिब है तो ऐसे नुकात को हम गैर हमखत्ती नुकात कहते हैं। जो नुकात एक मुस्तकीम खत पर नहीं होते, एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं, उन्हें हम गैर हमखत्ती नुकात कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर हमखत्ती नुकात कौन कौन से हैं। अगला रुमान है मुस्तवी। बच्चों आपको यहाँ पे तीन तस्वीर नज़र आ रही है, एक टेबल की तस्वीर है, एक ब्लैक बोर्ड की तस्वीर है और एक गैस सिलेंडर की तस्वीर है। इन तीनों तस्वीर में सतह कैसी नज़र आ रही है आपको? अगर आप इन तीनों तस्वीर पर, इन तीनों तस्वीर जो आपके घरों में मौजूद हो या क्लासरूम में मौजूद हो, आप इनकी सतह पर जब हाथ फेरेंगे
तो हाथ फेरने पे आपको इनकी सतह कैसी नजर आएगी? इन तीनों में से दो की सतह यानी कि टेबल और ब्लैकबोर्ड की सतह आपको एकदम हमवार नजर आएगी, हमवार महसूस होगी यानी कि एकदम ही फ्लैट। तो रियाजी की जबान में ऐसी हमवार सतह को मुस्तवी कहते हैं, जबकि सिलेंडर की सतह आपको फ्लैट यानी कि पूरी तरह से प्लेन नज़र नहीं आएगी, वो घूमती हुई नज़र आएगी आपको। जो गैस सिलेंडर है उसकी सतह घूमती हुई नज़र आएगी, जबकि बोर्ड और टेबल या आपके पास किताबें हैं, कॉपियां हैं, दीवार है घर की, तो इसकी सतह आपको हमवार नज़र आएगी। तो ऐसी हमवार सतह को हम मुस्तवी कहते हैं, और मुस्तवी का नाम लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुतवाजी खतूत। मुतवाजी खतूत यानी क्या? तो पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। एक मुस्तवी में वाक़ और एक दूसरे को कता ना करने वाले खतूत को मुतवाजी खतूत कहते हैं। इसका मतलब जब खतूत, दो या दो से ज़्यादा खतूत एक ही मुस्तवी में यानी कि प्लेन में होते हैं, हमवार फ्लैट जगह पर होते हैं, फ्लैट सतह में होते हैं, और वो एक दूसरे को कता ना करें यानी काटते ना हो, तो ऐसे खतूत को हम मुतवाजी खतूत कहते हैं। जैसे कि आपकी कॉपी में आपने देखे होंगे, ये जो आपको कॉपी का सफ़ा नज़र आ रहा है अंग्रेज़ी की चार लाइन का, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आड़ी लकीरें हैं ये खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते हैं। तो ये चारों लाइन यानी ये चारों खतूत आपस में मुतवाजी खतूत है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर पटरी, रेल की पटरियों को भी देख सकते हैं, ये दो पटरियाँ एक दूसरे को कता नहीं करती बल्कि इनका फासला शुरू से आखिर तक एक जैसा होता है, तो हम इन दो पटरियों को भी मुतवाजी खतूत कहेंगे। आइए बच्चों, हम आपकी किताब की मशकी सेट नंबर एक के सवालात हल करते हैं। जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा हमारा पहला सवाल, बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। अब यहाँ शक्ल दी गई है हमें, अब यहाँ हमें बताना है चार चीज़ें। पहला तो हमें हमखत्ती नुकात के नाम लिखना है। तो हमखत्ती नुकात किसे कहते हैं? तो जब तीन या तीन से ज़्यादा नुकात एक ही लाइन में, खत मुस्तकीम में हो, सीधे सीधे लाइन में हो, सीधे लकीर पर हो, तो हम उसे हमखत्ती नुकात कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ नुकात एम ओ टी, नुकात आर ओ एन, ये हमखत्ती नुकात का सेट है। ठीक है, तो हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया नुकात एम ओ टी का सेट, नुकात आर ओ एन का सेट। ठीक है, सवाल नंबर दो, शुआ। अब हमें यहाँ शुआ के नाम लिखने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शुआ यानी कि जब एक नुक्ते से, इब्तदाई नुक्ते से जब एक ही जानिब शुआ तीर बढ़ता जाए तो हम उसे कहते हैं शुआ। तो यहाँ पर हम अगर ओ से देखें तो हमारी पहली शुआ हो गई ओ पी, ओ एन, ओ टी, शुआ ओ एस, शुआ ओ आर, शुआ ओ एम। तो ये हमारी तमाम शुआओं के नाम हो गए। अब यहाँ हमें सवाल नंबर तीन है कतह खत के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर कतह खत का मतलब होता है कि किसी दो नुकात के बीच का फासला। ठीक है, तो यहाँ दो नुकात हम लेंगे तो यहाँ पे एम टी एक कतह खत हो गया, आर एन एक कतह खत हो गया। इसी तरह से अगर नुकता ओ और पी की बात करें तो कता ओ पी हो गया एक, कता ओ एन हो गया, कता ओ एस हो गया, और कता ओ आर। तो ये तमाम हमारे कतह खत जो इस शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं उनके नाम हो गए। सवाल नंबर चार, खत के नाम लिखना है। खत जैसे कि आप जानते हैं दोनों जानिब से लामहदूद होता है, और उसकी निशानी ये है कि उसके दोनों जानिब तीर का निशान होता है। तो यहाँ पर खत एम टी है क्योंकि उसके दोनों जानिब तीर है, और दूसरा खत जो है वो आर एन है। तो इस तरह से इस शक्ल में दो खत पाए जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा पहला सवाल हल हुआ। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दो पे, बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। अब यहाँ इस खत में सबसे पहला आपको नज़र आ रहा होगा बाहर स्मॉल लेटर एल लिखा हुआ है,
तो हम किसी भी खत का नाम अगर हम स्मॉल से लिखना चाहें तो हम एक स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर L है वो हर्फ, इसलिए हमारा पहला नाम हो गया खत L। अब इसके अलावा जो कैपिटल लेटर्स नज़र आ रहे हैं उससे खत का नाम लिखने के लिए हमें दो नुकात का इस्तेमाल करना होगा। तो शुरू करते हैं A से। तो पहला खत हो गया खत AB, दूसरा खत AC, तीसरा खत AD। ठीक है, अब यहाँ A को थोड़ी देर भूल जाइए। अब B से आप देखिए खत BC, खत BD। अब आप B को भी भूल जाइए, C से देखिए खत CD। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 6 खतूत नज़र आ रहे जो हमने उनका नाम, ये तमाम खतूत एक ही है लेकिन इनके 6 तरीकों से हम नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर तस्वीर ग्रोह ए में दी गई है जिनकी जोड़ियाँ ग्रोह बी से लगाना है। तो आप देख सकते हैं पहली वाली तस्वीर किसकी है, वेरी गुड, खत की है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा खत। दूसरी तस्वीर जो है वो गुड कते की है, तो ये कता हो गया। तीसरा ये मुस्तवी है, तो ये मुस्तवी। और चौथा जो है इसके एक जानिब नुक्ता है और एक जानिब तीर का निशान है, तो ये क्या है, वेरी गुड शुआ, तो ये हमारे लिए शुआ। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ज़ेल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खतूत, मुतराकिस खतूत और नुक्ता तराकुस के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मुतवाज़ी खतूत इसमें कौन कौन से। आप यहाँ देख सकते हैं मुतवाज़ी खतूत यानी वो खतूत जो एक दूसरे को कता ना करे। अगर हम सीधी तरफ से देखें, सीधी जानिब से, तो यहाँ खत बी, खत एम और खत क्यू, ये तीनों खतूत एक दूसरे को कता नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत की पहली जोड़ी हो गई। उसी तरह से एक और जोड़ी यहाँ छुपी हुई है जो तिरछे में है उल्टी जानिब से, वह है खत ए और खत पी। तो इस तरह से ये दूसरी जोड़ी हो गई, तो ये दोनों भी मुतवाजी जोड़ियाँ हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते मुतराकिस खतूत। मुतराकिस खतूत के मायने होते हैं जब एक ही नुक्ते पे तमाम खतूत एक दूसरे को कता करें तो हम उसे मुतराकिस खतूत कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं खत ए बी सी जो है वो, और जो बीच का खत ए डी है बड़ा वाला, वो तमाम खतूत एक दूसरे को नुक्ता ए पर कता कर रहे हैं, इसलिए ये तमाम मुतराकिस खतूत हुए। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो खत ए, खत बी, खत सी और खत ए डी, तो ये मुतराकिस खतूत हो गए। इसी तरह से अगर आप दाएं जानिब देखेंगे, सीधी जानिब, तो यहाँ पर भी तीन खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, खत पी, खत क्यू और खत ए डी, तो ये मुतराकिस खतूत की दूसरी जोड़ी हो गई। तो ये तीनों खतूत भी मुतराकिस खतूत है। अब अगला है नुक्ते तराकुस के नाम लिखिए। तो नुक्ते तराकुस जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा खतूत एक दूसरे को कता करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाएं जानिब लेफ्ट साइड पे नुक्ता ए नुक्ता तराकुस है, क्योंकि वहाँ पर चार खतूत ए बी सी और खत ए डी एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो पहला नुक्ता तराकुस ए हो गया और जबकि दूसरा नुक्ता तराकुस डी हो गया, क्योंकि यहाँ भी तीन खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं। कौन से है वो को तीन खतूत, खत पी, खत क्यू और खत ए डी। तो इस तरह से तीन खतूत भी यहाँ कता हो रहे हैं नुक्ता डी के मकाम पर, तो नुक्ता डी भी नुक्ता तराकुस है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह सबक नंबर 2 जाविये में दोबारा हमारी मुलाकात होगी। जब तक का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मश्की सेट 1 समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपियों में, अपनी बयाजों में इसके जवाबात को हल कीजिए, सवालात के साथ उतारिए, जवाबात भी लिखिए और इसकी तस्वीर व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे भेज दीजिए। यह आपका होमवर्क है। मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।